आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं एमएस एक्सेस डेटाबेस, और एमएस एक्सेस डेटाबेस में हम बात कर रहे हैं क्यूरी की। तो सर, हमने एक एक्सेस डेटा में एक हमने डेटा डाला हुआ है, डेटा है। अब चीज की जानिए कि हमें क्यूरी क्यों चाहिए होती है। तो अगर हम एक्सेल के साथ इसकी कंपेयरिंग करें, तो एक्सेल में अगर आपको एक बड़े डेटा में से कुछ डेटा को फिल्टर करके, कॉपी करके बाहर करना होता था, तो आप लोग क्या करते थे, फिल्टर करते थे, सिलेक्ट करके कॉपी करके बाहर कर देते थे। तो वही काम, सेम काम हमारा क्यूरी करता है कि आपका एक डेटाबेस में से एक पर्टिकुलर डेटा, पूरा डेटा, पर्टिकुलर डेटा, किसी कंडीशन बेस्ड डेटा को अलग करना है, उस केस में यूज करते हैं क्यूरी। तो क्यूरी पे यहाँ क्रिएट में आते हैं क्यूरी। तो क्यूरी दो तरह से है आपका, एक क्यूरी बिजार, एक डिजाइन क्यूरी। जैसे कि हमने आपको यहाँ पे फॉर्म बिजार था, एक आपका फॉर्म था। फॉर्म बिजार में मतलब कि प्री डिफाइंड फीचर्स थे जिसको अप्लाई किया था हमने, उसी तरह से क्यूरी बिजार में प्री डिफाइंड फीचर्स है जिसको हम यूज करते हैं, डिजाइन क्यूरी में हम अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। चलिए पहले हम प्री डिफाइंड जो हमारे क्यूरी बिजार है, फीचर्स हैं क्यूरी के, वो क्यूरी बिजार से सीखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका आता है सिंपल क्यूरी बिजार। सिंपल क्यूरी को सिलेक्ट किया, देन ओके। तो सबसे रजनीकांत जी, सबसे पहले बताइए कि आपको क्यूरी क्यों यूज करते हैं, समझ में आया ना कि नहीं आया? ठीक है, क्योंकि जब समझना पहले जरूरी है। तो इसमें से मान लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग डेटा और अलग अलग क्यूरी भी, हम डेटा भी लगा सकते हैं, क्यूरी पे भी क्यूरी लगा सकते हैं। तो इसमें से आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, मान लीजिए ना किसी डेटा में कि आपको कोई कॉलन नहीं चाहिए, या उस 10 में से 5 ही कॉलन का डेटा चाहिए, तो वो चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जो चीज रखना रखे, उसको हटाना हटा दे यहाँ पे, फिर नेक्स्ट, उसके बाद इस पे फिर नेक्स्ट, एंड आप कर दीजिए फिनिश। ये आपका डेटा क्यूरी आ गया, ठीक है, वो डेटा आ गया। लेकिन ये तो पूरा का पूरा डेटा है, तो चलिए इसका बेनिफिट समझाता हूँ आपको। बेनिफिट में समझिए कि हमारे पास एक डेटा था, मैं इस डेटा को बंद करता हूँ, हमारे पास एक्सेल पे एक डेटा था, ठीक है ना सर। अभी क्या था कि इस डेटा को मुझे 10 लोगों को मेल करना होता था, ठीक है सर, या मान लीजिए कि 3 लोगों को मेल करना होता था। तो 3 लोगों का डेटा, हमें पूरा का पूरा डेटा नहीं भेजना होता था, हमें डेटा भेजना होता था इसकी एक पर्टिकुलर डेटा, जैसे कि एक पर्सन को भेजना है नेम, हायर डेट, सैलरी सिर्फ, दूसरे डेट को, दूसरे पर्सन को भेजना है नेम, सैलरी, बोनस, ओवरटाइम ओनली, तीसरे को भेजना है डिपार्टमेंट, सैलरी एंड परफॉर्मेंस स्कोर, सिक डे, समझ गए ना। तो इसके लिए क्या करना होता था कि हर दिन मुझे डेटा पे कॉपी पेस्ट करके डेटा का एक करना पड़ता था, कि हम 3 फाइल, इसकी 3 फाइल अलग अलग बनाते थे, फिर जो जो कॉलम नहीं चाहिए वो कॉलम डिलीट करते थे, या फिर जो जो कॉलम चाहिए उसको कॉपी पेस्ट करते थे, क्या, तो 3 लोगों को इंडिविजुअली मेल करना है। अब देखिए एक्सेस में अरे मुझे डेली करना होता है, या हफ्ते में 2 बार करना होता है। अब इसके लिए एक्सेस में हम कैसे ये करेंगे, ऑटोमेट करेंगे, क्यूरी विजार्ड की मदद से, ठीक है सर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक ब्लैंक डेटा लिया, इसका नाम देते हैं लिंक डेटा, ठीक है, क्रिएट करता हूं। फिर हम यहां पे डेटाबेस टूल्स में जाते हैं, नहीं नहीं सॉरी, एक्सटर्नल डेटा सोर्स, माफ कीजिएगा गलती से क्लिक हो गया, इंपोर्ट में आते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम फाइल फ्रॉम एक्सेल। उसके बाद हम लोकेशन पे जाते हैं जहां पे हमारी डेटा वाली फाइल सेम है, अब इसमें जो है मैं करता हूं लिंक डेटा सोर्स,
समझ गए, ताकि हमारी एक्सेल फाइल से लिंक हो, एक्सेल फाइल चेंज हो तो यहाँ भी अपडेट हो जाए, क्या सर? नेक्स्ट एंड फिनिश एंड ओके, ये डेटा आपका हो गया। अब मैं जाता हूं इसके ऊपर क्रिएट में क्यूरी विजार्ड, तो इसको बंद करता हूं। और यहां पे क्यूरी विजार्ड सिंपल क्यूरी। अब मुझे इसमें से एक पर्सन को क्या चाहिए, नेम चाहिए, सैलरी सैलरी चाहिए एंड मंथ चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। तो देखा सर रजनीकांत जी, तीन चीजें एक्सट्रैक्ट हो गए। इसका नाम मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, इसका नाम कर देता हूं रीनेम करके, डेटा वन। फिर मैं इस पे दूसरा क्यूरी चलाता हूं, क्यूरी विजार्ड कॉस्ट सिंपल क्यूरी डेटा क्यूरी पे। अब इस पे मुझे चाहिए नेम, मुझे चाहिए सैलरी, मुझे चाहिए बोनस, ओवरटाइम एंड डिपार्टमेंट, नहीं ये चाहिए, डिपार्टमेंट नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट नेक्स्ट एंड इसका नाम मैं देता हूं डेटा टू, डेटा टू एंड फिनिश। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सर? ठीक है सर, मैं भूल गया था सर आज, सॉरी, माफ कीजिए सर। ओके, अब वापस हम क्यूरी विजार्ड में आते हैं और तीसरा का अलाउड दीजिए सर। हाँ, और हम यहाँ पे क्यूरी ओके करते हैं और तीसरा क्यूरी हम अपना डिफाइन करते हैं। उसमें मुझे चाहिए डिपार्टमेंट, चाहिए सैलरी, चाहिए आपका परफॉर्मेंस स्कोर एंड छुट्टी सिक डेज। नेक्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे डेटा थ्री कर देता हूं। तो तीन हमारे पास अलग अलग हो गए, बट क्या है कि एक तो मुझे डेली बेसिस पे मेल करना होता है ना सर, क्या? तो उसके लिए दो चीजें हैं। आप अगर एक्सेस के थ्रू ऑपरेट करना है तो आप एक्सटर्नल डेटा सोर्स में जाकर देखें, एक्सटेक एक्सटेक डेटा विथ फॉर्मेटिंग एंड लेआउट भी कर सकते हैं, ओपन डेस्टिनेशन फाइल आफ्टर एक्सपोर्ट द कंप्लीशन, हाँ ये भी रख सकते हैं, अभी जरूरत रखने की जरूरत नहीं है सर। ओके, अब इस पे आपको सेव एक्सपोर्ट करना है तो ये देखिए आपका एक्सपोर्ट आ गया, ठीक है, डेटा वन। अब आपको इसमें एक्सपोर्ट करना है तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, डेटा वन एक्सपोर्ट एंड सेव एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर डेटा टू को एक्सपोर्ट करना है, सिलेक्ट किया फ्रॉम एक्सेल, फॉर्मेटिंग के साथ कर दीजिए, ओपन करवाना है तो ओपन करके चेक बैक करवाना चाहते हैं कर सकते हैं, डेटा टू और यहाँ पे सेव एक्सपोर्ट, हाँ सेव करना है डेटा टू के नाम से। और तीसरा का भी ऐसे कर दूंगा मैं, फॉर्म एक्सपोर्ट सर, रिकॉर्ड अलाउड कीजिए सर। अलाउड कर दिया मैंने, मेरा नहीं सर, आपका रिकॉर्डिंग कब नहीं आ रहा है? आपने वेब वर्जन ज्वाइन किया है क्या आपने? नहीं, मैं मैक से ज्वाइन किया हूं सर। मैक से सर, रिकॉर्डिंग परमिशन नहीं है, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा सर, रिकॉर्डिंग फीचर्स नहीं है मैक में, तो एक्सेल को तो होता है सर, बीबीए तो पता नहीं अभी नहीं आ रहा है, तो हाथों तो मैं दे नहीं रहता सर, यहाँ सो ही नहीं कर रहा है, रिकॉर्ड का फीचर सो ही नहीं कर रहा है। ओके ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भेज दूंगा आपको। ओके सर,
अब तीनों फाइल का आपका सेव हो गया, अब इसको भेज दे। अब नेक्स्ट टाइम आपका इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। आपको नेक्स्ट टाइम क्या करना है, नेक्स्ट टाइम आपका अपना डेटा अपडेट करना है। कौन सा डेटा? एक्सेल डेटा, ठीक है। जैसे एक्सेल डेटा अपडेट होगा, आपका एक्सेस ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा और क्यूरी भी अपडेट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको जाना है सेव एक्सपोर्ट पे, ठीक है। बस इसको रन करते चले जाना है, समझ गए। आपकी फाइल बनती चली जाएगी, पर ये होगा कि आपके एक्सेस से वो लिंक नहीं होगा। जब आपको फाइल, जब आप डेटा अपडेट करेंगे, जब भी डेटा अपडेट करेंगे, जब भी आपको डेटा चाहिए होगा तीन या तीन अलग अलग फाइल में चाहिए होगा डिफरेंट डिफरेंट कॉलम से, तो एवरी टाइम आपको एक्सपोर्ट को रन करना पड़ेगा और एवरी टाइम नई फाइल क्रिएट करेगा, ठीक है सर। लेकिन आप चाहते कि नहीं नहीं मैं हर बार नई फाइल क्रिएट ना करूं और ना एक्सपोर्ट करने का जहमत उठाऊं, मैं चाहता हूं कि मेरी जैसे मेरा एक्सेल फाइल लिंक हो, एक्सेल के थ्रू होते हुए मेरे बाकी तीन फाइल ऑटोमेटिक लिंक होता जाए, ठीक है। जैसे कि मैं चाहता हूं कि जैसे मेरी ओरिजिनल फाइल पे अपडेट हो, डेटा चेंज हो, तो ओरिजिनल फाइल किसको दे? एक्सेस को दे, एक्सेस अपडेट क्यूरी करे और क्यूरी मेरी एक्सेल फाइल को अपडेट कर दे। मतलब कि सेव एक्सपोर्ट वाला, एक्सपोर्ट वाला सिस्टम क्या हुआ कि हर बार एक नया फाइल क्रिएट करेगा आपको सर। आप ये नहीं चाहते। दूसरी चीज, आपको यहां से एक्सपोर्ट तीन तीन है तो तीन और दस है तो दस करना पड़ेगा हर बार, समझ गए। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, यहां पे जाऊंगा मैं डेटा मेनू बार में, गेट डेटा, तो हम जाएंगे एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल में हम आएंगे गेट डेटा फ्रॉम फाइल, और फ्रॉम फाइल नहीं, फ्रॉम डेटाबेस, मतलब कि एक्सेस डेटाबेस, डॉट स्पॉनिंग हो गया। उसके बाद मैं जाऊंगा अपने लोकेशन पे जहां मेरा डेटा सेव है, लिंक डेटा, एंड करूंगा इंपोर्ट। उसके बाद मुझसे पूछेगा क्यूरी कि किस क्यूरी को इंपोर्ट करना है। 2019 का एक्सपोर्ट सिस्टम थोड़ा सा स्लो चलता है, 2007 का सही था। अच्छा, ये क्यों दिक्कत क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑलरेडी ये एक्सेस फाइल को मैंने ओपन कर रखा है, ये क्लोज होना चाहिए। मैंने क्लोज कर दिया, अब आ जाएगा, आ गया। तो एक चीज भी सीख लीजिए, क्लोज होना चाहिए, बट इसमें नहीं था, 2013, 16 और 7 में ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, बट इसमें प्रॉब्लम हो रही है। ओके, अब इसमें डेटा 1, डेटा 2, डेटा 3 और डेटा टेबल फाइल दिख रहा है। अब यहाँ पे एक नया फीचर आ गया है डेटा, क्या है कि 2007, 16, 13 में प्रॉब्लम क्या थी कि अगर आप लिंक करते हैं एक्सेल टू एक्सेल, तो जो आपकी लिंक सीट, लिंक डेटा जो एक्सेस में है, जो ये एक्सेस में आपने एक्सेल को लिंक किया है, वो उसको इंपोर्ट आप नहीं कर सकते, बट 2019 में आप इंपोर्ट कर सकते हैं। हमने इसको लिया, और हमने इसको लोड कर दिया। ठीक है, ये आपका डेटा वन हो गया। अब आपको इसको अलग फाइल में, अपना अलग फाइल नाम दे दीजिए, ठीक है ना, सेव कर दीजिए। ये आपका लिंक हो गया किससे? एक्सेस से। अब आपको दूसरा चाहिए तो आप इस फाइल को सेव कर लीजिए, अगर दूसरा इस पे दूसरे पे चले जाइए,
मैं इसी में वापस आता हूं डेटा में। और इसको भी वापस हम सेम करते हैं डेटाबेस। लिंक डेटा, इस बार जो है डेटा वन नहीं डेटा टू को सिलेक्ट करेंगे। डेटा टू ये आपका दूसरा डेटा आ गया। लोड हो रहा है सर, ये थोड़ा स्लो चलता है थोड़ा सा। डेटा टू आ गया, इसमें सैलरी बोनस ओवर टाइम है। अब तीसरा डेटा थ्री का है, तो ऐसे तीनों कर सकते हैं और तीनों आपका लिंक है एक्सेस से। एक चेंज कीजिएगा बाकी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो रजनीकांत जी समझ में आया सर ये? तो क्यूरी विजार्ड का यूज इसलिए करते हैं, क्यूरी विजार्ड में कोई कंडीशंस नहीं लगा सकते हम, लेकिन क्यूरी विजार्ड में क्या होता है कि आप एक दूसरे का मतलब कि पर्टिकुलर कॉलम को छोड़ के आप उसको एडिट कर सकते हैं, राइट सर। और जैसे आपका डेटा एक्सेल फाइल चेंज होगा एक्सेस अपडेट होगा, और ऐसे आपका तीनों फाइल या तीनों शीट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो क्यूरी विजार्ड का यूज हम अपनी मैं खुद का ऑफिस में इसी तरह से यूज करता था कि एक बहुत बड़े डेटाबेस में से हमें जो जो नहीं चाहिए उसको छोड़ के जो चाहिए चाहिए हम ले लेते थे इसी थ्रू। चलिए आगे बढ़े। तो हम डिस्कस कर रहे थे क्यूरी विजार्ड में सैंपल क्यूरी की। सैंपल क्यूरी जब मैं रन किया था तो वहां पे आप लास्ट में देखते होंगे समरी, समरी दिखा था ना सर? चलिए उस समरी के बारे में एक बार जान लेते हैं। हालांकि उस समरी को मैंने भी कभी यूज किया नहीं है, पर चल देखते हैं। चलिए क्यूरी विजार्ड, हमने सिंपल क्यूरी लिया एनो, उसके बाद हमने मान लीजिए कि नेम लिया, सैलरी लिया, नहीं नेम हटा देता हूँ मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट लेता हूँ, डिपार्टमेंट और सैलरी दो ही लेता हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ पे मैं समरी पे क्लिक किया। नेक्स्ट, जब समरी पे क्लिक करना होता है तो आपको समरी ऑप्शन पे जाना होता है। ये आपका समरी किस तरह से बनाना है वो बताना होता है कि मुझे सैलरी का टोटल चाहिए। एंड नेक्स्ट एंड फिनिश। देख ये एक पिवट तक के आ गया सर इसके ऊपर। तो जब आप क्यूरी कनेक्ट करते हैं, अगर आपको डेटा रिकॉर्ड चाहिए तो पहला ऑप्शन जो है सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको उसकी समरी चाहिए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे डेटा वन में आईटी कई बार रिपीटेड है, आईटी जो है कई बार रिपीटेड है, लेकिन हमारे समरी वाले शीट में आईटी एक ही बार है, उसका टोटल ऐड करके यहां दे दिया गया है। तो समरी का यूज इसी चीज के लिए करते हैं। उसके अलावा अगर आपको पिवट की तरह रिपोर्ट चाहिए, आपको डेटा नहीं चाहिए, तो क्यूरी विजार्ड में मैं क्रॉस टैब क्यूरी का इस्तेमाल करूंगा। क्रॉस टैब क्यूरी हमने इसको लिया। अब मुझे डेटा है हमारा, हाँ डेटा, डेटा टेबल, टेबल में इसमें चाहिए। अगर क्यूरी में लगाना है तो क्यूरी आ जाएगा यहाँ पे, पर मुझे डेटा में ही चाहिए। उसके बाद मुझे इसमें से डिपार्टमेंट चाहिए, मेरा जो रो वाइज होगा ये डिपार्टमेंट्स आएंगे। फिर नेक्स्ट जो कॉलम वाइज है वो मेरा मंथ आएगा, और मैं टोटल जो करना चाहता हूं वो करना चाहता हूं सैलरी की, मैं सैलरी का सम निकालना चाहता हूं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं आप। नेक्स्ट एंड फिनिश। अब देखिए क्रॉस टैब क्यूरी आपको यहाँ पे टोटल दिखा दिया यहाँ पे, और उसके अलावा आप यहाँ पे देखिए कि आपके दिख रहा है।
लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है कि टोटल पहले आ गया है, टोटल पहले नहीं आना चाहिए। तो क्रॉस टैब क्यूरी में इसको डिजाइन व्यू में चले जाइए, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे टोटल आएगा ये सर, टोटल लास्ट में आएगा, फिक्स है सर ये। ये भी बताऊंगा डिजाइन क्यूरी होता है। तो क्रॉस टाइप क्यूरी में आपके जो है माने कि एक पिवट तरह की तरह रो वाइज एंड कॉलम वाइज किसी एक पर्टिकुलर का टोटल कर देते हैं, उसमें रिपीटेड आइटम नहीं होता, मतलब इट मीन समरी क्रिएट कर देता है। अब क्रॉस टाइप क्यूरी को आप समझ चुके हैं, तो क्रॉस टाइप क्यूरी के बाद हम जाते हैं क्यूरी विजार्ड में, फाइंड डुप्लीकेट क्यूरी विजार्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट। किसमें डुप्लीकेट ढूंढना है हमें, तो हमें डिपार्टमेंट में ढूंढना है। मान लीजिए अब यहां भी जो है बोलने यहाँ पे डिपार्टमेंट को नहीं, डिपार्टमेंट नहीं है, मंथ को ही ले लेते हैं। दिख गया, अकाउंटिंग में इतने डुप्लीकेट हैं और ये रहा आपका पूरा डेटा। अब मान लीजिए अकाउंटिंग में जैन दो बार होता तो यहाँ पे एक ही बार आएगा सर। तो आप एक किसी डेटाबेस में डुप्लीकेट वैल्यू को निकाल सकते हैं इस तरह से। दूसरा, अगर आपके पास दो, क्या बोल रहे हैं, ये नहीं सुन रहे, हम लोग नॉर्मल सर जैसे डुप्लीकेट निकालते हैं तो इसमें क्या कहते हैं कि इसमें हुआ ये बताता है आपको कि यहाँ पे क्या बोलते हैं डेटा के अंदर में, अब जैसे डेटा आप ओपन करते हैं इसमें आप देखते होंगे अकाउंटिंग, जैसे आईटी हो गया तो आईटी में मई यहाँ पर है ना सर। नीचे आप देखेंगे तो और भी कई जगहों पे आईटी में मई दिखेगा, मैं इसको फिल्टर लगाता हूँ। मई यहाँ पर है नहीं, तो जो जो अगर जैसे आईटी के अंदर में जो जो डुप्लीकेट है ना वो आएगा सर यहाँ पे। दिसंबर दो बार है, हाँ दिसंबर दो बार है, तो आप देखेंगे यहाँ पे फाइन डुप्लीकेट में मैं जाता हूँ और मैं यहाँ पे आईटी का सर्च लगाता हूँ, यहाँ पे देखिए हम लोग सर डिपार्टमेंट में डुप्लीकेट निकाल रहे थे ना सर। हाँ डिपार्टमेंट, हाँ डिपार्टमेंट के जितने भी डुप्लीकेट से वो आ जाते हैं सर और उसके डेटा भी आ जाएंगे। नहीं सर, मान लीजिए मैं एक्शन में डुप्लीकेट निकाल रहा हूँ तो मेरे को ये पता चलेगा आईटी क्या कहते हैं कितनी बार है वहाँ पर। तो वो तो काउंट हो गया ना सर, समरी हो गया, आपका पूरा डुप्लीकेट डेटा चाहिए उसके लिए। तो क्रॉस विजार्ड में आप ये ले सकते हैं ना सर, समरी ले सकते हैं ना, वो काउंट करके दे देगा आपको कि क्या बार रिपीटेड है। अगर आप अगर चाहते हैं कि मेरा कौन सा डिपार्टमेंट कितना बार रिपीटेड है चाहते हैं ना सर। हेलो, नॉर्मल डुप्लीकेट तो यही निकालते हैं ना, नॉर्मल डुप्लीकेट निकालते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि जितने भी डुप्लीकेट काउंट आ गया, इसमें क्या होगा कि डुप्लीकेट का पूरा डेटा दिख जाएगा सर। आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा ना सर, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यूज कीजिएगा नहीं तो फिर मैं फिर दूसरे एग्जांपल समझा दूंगा सर। हाँ यूनिक को छोड़ देगा और सारे डुप्लीकेट उठा लेगा।
फिर एक सिंपल डेटाबेस को करके आपको सिर्फ कंफ्यूजन है ना सर, एक सिंपल डेटा पे देखते हैं। मैं यहाँ पे नेम देता हूँ, नेम सी नेम, और यहाँ पे सिटी अमाउंट, नंबर, अमाउंट। मैं कुछ नाम लिखता हूँ, कम ज्यादा नहीं, जो कम लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा पूजा 25, नीरज 35, कविता 65, फिर पूजा, फिर नीरज, फिर कविता। हर नाम को मैं दो बार दे दिया है, ठीक है। अब मैंने इसको यहां से क्लोज करता हूं, डेटा एम के नाम से। अब इस पे आता हूं क्रिएट में, यहां पे क्यूरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट, ओके, डेटा एम, नेक्स्ट। इसमें हम सी नेम लेते हैं, नेक्स्ट, और अमाउंट, नेक्स्ट एंड फिनिश। ये पूरा डेटा ही दे रहा है सर। दोनों दो बार रिपीट, एक मिनट, 6 एंट्री किया था हमने ना सर, नीरज। अब मान लीजिए कि मैं सारा यूनिक देता हूँ, रिपीट नहीं करता हूँ, तब क्या होगा? पूरा डेटा यहाँ पे दिख गया, ये पूरा का पूरा डेटा ही निकाल के देता है सर। अच्छा, इसमें एक काम और करता हूँ मैं, इसमें जाता हूँ क्यूरी विजार्ड में, फाइंड डुप्लीकेट एंड ओके, डेटा एम, नेक्स्ट, मैंने नेम ले लिया, फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है सर। तो अगर आप सिर्फ एक फील्ड लेते हैं, हमने दूसरा नहीं फील्ड लिया इसलिए इस टाइम तो दोनों रिपीटेड आया, मैंने एक ही फील्ड लिया, तो जितने भी डुप्लीकेट नंबर नाम है वो यहाँ पे दिख गया। अब डुप्लीकेट नाम से हुआ, अब मैं क्या करता हूँ कि अपने डेटा में जो मेरा डेटा है इसी डेटा में एक यूनिक नाम दे देता हूँ, जैसे उदय, ये नाम रिपीटेड नहीं है, ठीक है। तो क्या लिस्ट में आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ पे वही नाम लिस्ट में आएगा जो आपका रिपीटेड है, उसके सामने उसका नंबर्स आएंगे। अगर आपने कोई डेटा फील्ड देख रखा है तो फिर वो पूरी उसकी डेटा आ जाएगी सर। आप समझ में आ गया सर? अब इसमें हाँ ये हो गया। अब दूसरा इसमें आता है फाइन अनमैच डेटा। यहाँ पे दूसरा क्या आता है आपके पास क्यूरी विजार्ड में, फाइंड अनमैच डेटा। अब जैसे आपके पास दो टेबल है, ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक नया एक्सेस लूंगा, मैं एक्सेल खोलता हूं, एक्सेल पे दो लिस्ट बनाता हूं, जब छोटा लिस्ट बनाता हूं सही रहेगा आपको, मैं नेमी का लिस्ट बना लेता हूं। चलिए पूजा, नीरज, कविता, मोहन, पांच पांच का दे देता हूं एंड उदय। क्रिएट करके एक और टेबल देता हूं, उसका भी मैं सी नेम ही देता हूं, और इसमें भी करता हूं
पूजा, नीरज, मोहन, और क्या है, पूजा नीरज मोहन के बाद कविता उदय, कविता उदय, पांच ये भी हो गया। ठीक है सर, अब मैं इसको यहां से सेव करता हूं, यहां पे D1 और यहां पे आपको कर देता हूं D2। अब मैं क्रिएट में जाता हूं, क्यूरी विजार्ड, फाइंड अनमैच्ड क्यूरी विजार्ड एंड ओके। तो टेबल वन को मैच करना है किससे, टेबल टू से। फिर इसका कौन कौन मैच करना है, तो दोनों नेम और ए नेम को मैच करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या क्या चाहिए, तो आईडी चाहिए और नेम चाहिए, मैंने सो क्या क्या करवाना है। नेक्स्ट, हमने इसको फिनिश कर दिया। तो यहां पे आ गया D2 नीरज। अब एक ही है क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक है यहां पे, दिखा ना सर, नीरज अब नहीं आएगा। अब मैं यहां पे देखूंगा तो इसमें कोई डेटा नहीं आएगा, क्यों, कि दोनों के अंदर में कोई भी डेटा ऐसा नहीं है कि दूसरे में एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर कोई ऐसा डेटा एंट्री हुआ, जैसे मान लीजिए डेटा वन में मैंने मान लीजिए ओम को एंट्री कर दिया, अब ओम की एंट्री कहां नहीं है, डेटा टू में नहीं है, तो आप इसको जो ओपन करेंगे तो यहां आपको ओम दिख जाएगा, क्यों, क्योंकि ओम जो है अनमैच्ड डेटा है D1 विथ D2। अब मान लीजिए कि D2 के अंदर में अगर मैं एक देव का एक देव नाम ऐड कर दिया, ठीक है, तब क्या रिकॉर्ड आएगा, तो ओम ही आएगा, देव का रिकॉर्ड नहीं आया, क्योंकि यहां डेटा वन मैच विथ डेटा टू है, समझ गए सर। हेलो, क्लियर सर, जब हमने डेटा टू खोल के मैच करेंगे तो टू का आएगा, डेटा वन का नहीं आएगा। हाँ, तो आप अगर चाहोगे कि नहीं दोनों ऐसा आना चाहिए कि दोनों में मैच होना चाहिए, कि डेटा वन में ही मैच होना चाहिए, डेटा टू में ही मैच होना चाहिए, दोनों मैच होगा ना, मतलब कि जो दोनों का डेटा आना चाहिए, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, दो क्यूरी बनानी पड़ेगी, एक डेटा मैच का D1 विथ D2 एंड D2 विथ D1, फिर यूनियन भी इस सिक्वल के जरिए यूनियन कोड लगा के फिर दोनों में कंबाइन करके फिर एक टेबल पे, मतलब तीन क्यूरी बनेगी इसमें। फिर पहले क्यूरी जो डिफरेंस निकालेगी D1 विथ D2 से, दूसरी क्यूरी जो डिफरेंस निकालेगी D2 विथ D1 से, और तीसरी क्यूरी जो दोनों को कंपाइल करेगी। ठीक है, अब ये चीज आप एक्सेल पे भी कर सकते हैं, जैसे कि दो क्यूरी हम बना देते हैं, एक और अनमैच क्यूरी बनाते हैं यहां पे, क्यूरी बिजार्ड अनमैच क्यूरी, ओके। अब मैं D2 के लेता हूं, D2 अनमैच विद D1, नेम होना चाहिए दोनों में, और मुझे आईडी और नेम चाहिए। नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, अब यहां देव आ गया ना, अब मुझे एक ऐसा चाहिए जिसमें देव और ये भी आए, बट मुझे सिक्वल नहीं आता, और मुझे डेटा चाहिए एक्सेल पे, तो हम जाएंगे अपने एक्सेल वाले, एक नया एक्सेल फाइल है, देखिए एक्सेल भी इजीली हो जाएगा, अब यहां पे हम डेटा गेट डेटा फ्रॉम डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, इसमें हमारा डेटाबेस 5
उसके बाद हमने डी वन को सिलेक्ट किया, लोड कर दिया। और फिर मैं यहां पे डेटा में सेम प्रोसीजर को फॉलो करता हूं, डेटाबेस 5। ये हमारा डी टू विथ डी वन हुआ है। या डी वन विथ डी टू कर देता हूं, ठीक है। अब दोनों यहां पे लोड हो गया ना। अब मैं यही डेटा में आता हूं, क्योंकि मुझे दोनों इकट्ठा चाहिए ना, ये तो एक ही दिख रहा है। फिर डेटा में जाता हूं, कंबाइन एंड मर्ज। मर्ज हो गया, अपेंड हो गया, आई थिंक अपेंड होना चाहिए। मैंने एक ही क्यूरी को दो बार लगा दिया है। एक मिनट, मुझे क्यूरी चेंज करने दीजिए। दोबारा करता हूँ, डी वन विथ अमेजिंग डी टू है ना। अब ये डी टू आएगा। हाँ, दो क्वेरी हो गया। अब यहां पे सर मर्ज नहीं होगा, आई थिंक यहां पे मर्ज नहीं होगा, यहां होगा आपका अपेंड क्वेरी। क्वेरी अपेंड, टू टेबल राइट। ये पहले हमारा डी वन आना चाहिए, उसके नीचे हमारे पास डी टू आना चाहिए। दो से ज्यादा है इस पे क्लिक कीजिएगा तो दो से ज्यादा होगा। फिलहाल दो है तो इसलिए यहाँ पे दो दिख रहा है। आ गया सर दोनों, लोड एंड क्लोज कर दीजिए, मर्ज हो गया। ठीक है सर, अब दोनों सीट में जो भी डेटा ऐड होगा यहाँ एक्सेल पे आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है जी, कांत जी, समझ में आया आपको? यस सर, यस। तो क्यूरी क्यूरी विजार्ड के अंदर में आपने जो डिफाइन क्यूरी है, जैसे कि सिंपल क्यूरी, मतलब कि कुछ कॉलम चाहिए कुछ कॉलम नहीं चाहिए, वो आपने यूज किया।
फिर आपने यूज किया क्रॉस टैब कैरी, मतलब कि आपको एक समरी चाहिए रो एंड कॉलम वाइज, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपने सीखा। आपको डेटा के अंदर में किसी एक पे डुप्लीकेट की डेटा या डुप्लीकेट के काउंट चाहिए, कैसे लगाएंगे वो चीज आपने सीखा। और साथ में आपने सीखा कि अगर दो डेटा में अनमैच्ड हो, ऐसा कोई नंबर जो दूसरे डेटा में नहीं है, वो अगर आपको निकालना हो वो कैसे निकालेंगे, वो चीज आपने यहाँ पे सीख लिया। और दोनों को हम अगर एक्सेल पे कैसे ले जाएंगे, क्या बेनिफिट होगा, क्योंकि एक्सेस तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, एक्सेल ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो जैसे कि मैं जो कोर्स पढ़ाता हूँ सर, उसमें यही मैं ही सिखाता हूँ कि आप एक्सेस की मदद एक्सेल में कैसे लेंगे, मेन मोटिव हमारा यही रहता है। तो ये चीजें भी आपको हमने कन्फर्म किया, ठीक है रजनीकांत जी। हाँ सर, एक था कि सर एक्सेस में शेयर पॉइंट से कैसे लाएंगे डाटा। अच्छा, एक्सेस में आपके शेयर पॉइंट से कैसे लाएंगे डाटा, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत क्या है सर कि शेयर पॉइंट्स मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको करके तो नहीं दिखा सकता, बट बता सकता हूँ कि शेयर पॉइंट से कैसे आता है। एक्सटर्नल डेटा सोर्स में जाए, न्यू सोर्स आपको दिख रहा होगा, न्यू सोर्स पे आप क्लिक करें, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस दिख रहा है आपको, फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज, जिसमें शेयर पॉइंट क्लियरली लिखा हुआ है, लिख गया सर। रजनीकांत जी, अपना जो शेयर पॉइंट का जो साइट है उस साइट को यहाँ पे पेस्ट कीजिए। फिर उसके बाद अगर आपको यहाँ पे माने कि एज ए टेबल जैसे कॉपी पेस्ट करना है तो इस पे क्लिक करें, लिंक करना है इस पे क्लिक करें। उसके बाद आपकी जो आईडी वाईडी को जी आती है वो यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी। एक बार हो पा रहा है, आपके पास शेयर पॉइंट का एक्सेस है? हाँ सर, कंपनी वाला है सर, कंपनी वाले लैपटॉप में। अभी यहाँ पर है सर, यहाँ पर है आपके पास? दूसरा लैपटॉप है सर, उसको खोलूं तो मैं कनेक्ट करूं तो दिखाऊं आपको, क्या इधर भी नहीं आ रहा है और थोड़ा अजीब सा आ रहा है, दो चीज़ क्या करूं, दो नहीं आ रहा है, लेकिन दो चीजें इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो कोई और प्रॉब्लम हो, क्योंकि मैं सीएस होता हूँ, मैंने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है, क्योंकि मुझे शेयर पॉइंट है ही नहीं, ना जरूरत पड़ी। दूसरा सुनिए, बताता हूँ आपको कि शेयर पॉइंट में हो सकता है कि क्या बोलते हैं, एक्सेस को डिनाइड किया गया हो, एम्बेड एक्सेस को डिनाइड किया गया हो। वहाँ पे सर, जब मैं ये वाला पेज जहाँ आपने आखिरी तक खोला, उसके बाद जो कंपनी से क्या कहते हैं कि एक्सेस का मुझे शेयर पॉइंट का जो लिंक भेजा है, मैं उसको उसमें डाल रहा हूँ, ठीक सर, वो यूजर आईडी पासवर्ड मांग रहा है, कनेक्ट हो जा रहा है, कनेक्ट होने के बाद वो दो चार ऑप्शन खोल के दे रहा है कि उसको छोटे छोटे फोल्डर बना दे रहा है। जब उस फोल्डर के अंदर मैं जा रहा हूँ तो वहां पे मेरे को वो वाला फोल्डर नहीं दिख रहा है जो शेयर पॉइंट पे है। SharePoint पे जो फोल्डर के अंदर मेरा एक्सेल फाइल रखा हुआ है वो मेरे को एक्सेल के अंदर नहीं दिख रहा है, दूसरी चीजें दिख रही हैं। और जब मैं मैनुअली जाकर SharePoint में वो फाइल जा रहा हूँ डाउनलोड करना चाह रहा हूँ तो ये आराम से हो जा रहा है, लेकिन एक्सेल के थ्रू मैं उस फोल्डर को देख ही नहीं पा रहा। अच्छा, एक काम कीजिएगा रजनीकांत जी, कल जो है ना आप ऑफिस के लैपटॉप से ज्वाइन कीजिएगा, ज्वाइन कर सकते हैं ना? थोड़ा अगर सर उसमें कंडीशन रहती है, इसीलिए मैं उससे करता नहीं हूँ जल्दी। मैं आपको फोटो खींच के दूंगा सर। आप हाँ फोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप देखिए ना, अभी मैंने कनेक्ट कीजिएगा और फोटो खींच के मुझे आप एक बार भेज दीजिएगा, ठीक है ना? फिर अपने आंसर में रिसर्च करूंगा कि आखिर क्या हो रहा है। अच्छा, ट्रायल में सिर्फ पॉइंट मिलते हैं? ट्रायल में मिल जाना चाहिए सर, तो मैं एक बार मैं ट्रायल में ले लेता हूँ, ठीक है ना? उसके बाद मैं आपको करके ही दिखा दूंगा, अगर आपकी जरूरत है तो हम करके ही आपको दिखा देंगे। हाँ, मैं आपको सर फोटो भेजता हूँ। ठीक, भेज दीजिए। ठीक है सर, तो कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिजाइन क्यूरी पे, तब तक आप लोग इस जो आज चीजें बताई उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा सर। सर मुझे वीडियो भेज दीजिए सर। हाँ, मैं क्लास के बाद भेज देता हूँ, ठीक है रजनीकांत जी, और मैं शेयर पॉइंट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है।